किरण डायरीज को सब्सक्राइब करें और रेसिपीज के लिए, और इस बेल बटन को जरूर प्रेस करें नई वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बताऊंगी प्याज की चटनी, अनियन चटनी बनाएंगे, और जो इस चटनी का टेस्ट आता है वो सारी चटनियों से बहुत अच्छा है, बहुत बेस्ट चटनी है, और मुझे बहुत पसंद है ये, और आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक पैन लेंगे और उसमें हम डालेंगे बहुत थोड़ा सा तेल डालेंगे, तो करीब एक चम्मच या आधा चम्मच तेल आप डालें इसमें, और उसे गर्म होने देंगे। तेल जब गर्म हो जाए तब इसमें हम डालेंगे प्याज। तो ये दो प्याज है जिसको मैंने मीडियम चॉप किया हुआ है। प्याज को हम पहले हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे, तो हाई फ्लेम पे ना भूने, अदरवाइज ये जल जाएगा। तो गैस की जो फ्लेम होती है वो लो टू मीडियम रखें, और लगातार चलाते हुए पहले इसे ब्राउन होने तक भूनेंगे। और अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये जो प्याज है इसका कलर हल्का ब्राउन हो चुका है। तो अभी हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे। तो करीब 8 से 10 लहसुन की कलियाँ मैं इसमें डाल रही हूँ, और 5 से 6 हम डालेंगे सूखी लाल मिर्च। अगर बहुत तीखी लाल मिर्च है तो आप उसके बीज निकाल लें, ज़्यादा तीखी चटनी अगर आप नहीं बनाना चाह रहे हैं। अदरवाइज़ जो इसका टेस्ट होता है वो तीखा और खट्टा चटपटा लगता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा भी डाला है। अभी हम सभी चीज़ों को बिल्कुल ब्राउन होने तक भूनेंगे। तो मैंने गैस की फ्लेम अभी लो कर दी है, क्योंकि प्याज ऑलरेडी भून चुकी है हमारी, तो जले ना, इसलिए गैस की फ्लेम मैंने लो कर दिया है। और यहाँ पे देखिए प्याज बिल्कुल ब्राउन हो चुकी है, और थोड़ी इसमें एक क्रंचीनेस भी आ चुकी है प्याज में, और बहुत अच्छे तरीके से हमने इसे फ्राई कर लिया है। अभी हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको बिल्कुल ठंडा होने देंगे। जब बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तभी हम इसको जार में ट्रांसफ़र करेंगे पीसने के लिए। तो प्याज ठंडी हो चुकी है और इसमें हम जार में हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं इसको पीसने के लिए। तो क्योंकि ये खट्टी मीठी और चटपटी चटनी है, थोड़ा सा मैं इसमें शुगर यानी चीनी ऐड कर रही हूँ, ताकि जो लाल मिर्च का बहुत तीखापन होता है वो थोड़ा कम भी हो जाए। साथ में ही मैं डालूँगी नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसको अब हम पीस लेंगे। बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनाना है। पीसने के लिए आप थोड़ा सा पानी इसमें डालें, जितना आपको लगता है ज़रूरत है पीसने के लिए। बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनाना है, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें पानी डालें और इसको बिल्कुल अच्छे से पीस लेंगे। तो ये देखिए हमने बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना लिया है, और कलर देखिए इसका कितना बढ़िया आया है, बहुत अच्छा कलर आया है चटनी का। तो अगर आपको लगता है चटनी बहुत थिक हो गई है तो आप इसमें बाद में पानी और मिला सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है जैसी चटनी की होनी चाहिए। अब इसमें हम तड़का लगाएंगे, और तड़के के लिए मैं ले रही हूँ सरसों का तेल करीब 1 चम्मच। सरसों के तेल में जो इसका तड़का होता है वो बहुत अच्छा आता है, चटनी का जो फ्लेवर होता है वो डबल कर देता है। तेल गर्म होने पे हम इसमें राई चटकाएंगे, थोड़ी सी हींग भी डाला है मैंने, और साथ में इसे भून लेंगे। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ उड़द के दाल। उड़द के दाल से इस चटनी का जो टेस्ट होता है उसमें थोड़ी क्रंचीनेस आती है जब आप खाएंगे, तो उड़द दाल आप ज़रूर डालें। सूखी लाल मिर्च डाल रही हूँ 2। तो ये तड़के के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ, इसके बीज निकाल लिए हैं। आप चाहें तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, लाल मिर्च ना भी डालें। तो सभी चीज़ें हमने देखिए इसमें भून लिया है, ब्राउन कलर हो गया, अच्छे से चटका लिया है। अब इसमें हम कड़ी पत्ता ऐड कर देंगे और इसे भून लेंगे साथ में ही, सरसों के तेल में नहीं तो अदरवाइज आप कोई भी कुकिंग ऑयल में इसे तड़का लगा सकते हैं। इसके बाद अब इसमें हमने जो प्याज का पेस्ट बनाया था वो हम डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पका लेंगे इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर। अगर आपको लगता है चटनी इस वक्त यहाँ पर बहुत थिक हो गई है तो आप थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ पे कंसिस्टेंसी बिल्कुल अच्छी है। थोड़ा सा आमचूर पाउडर मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून। एक खटास आएगी इस चटनी में और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इससे। लगातार चलाते हुए मिक्स करते हुए इसे हम बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे।
और ये हमारी प्याज की चटनी देखिए बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है, बढ़िया कंसिस्टेंसी है, बहुत बढ़िया कलर है, ये रेडी हो चुकी है। गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं अब। तो ये प्याज की चटनी बनकर तैयार है, इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। कभी अगर लगता है कि दाल और सब्ज़ी आपके पसंद की नहीं है तो ये चटनी बनाएं और अपने खाने को इंजॉय करें, ये बहुत बढ़िया है, इसे आप ट्राई करें। और जब भी आप ट्राई करें इसका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और ऐसी रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग।